पीएम मोदी इस वक्त ओमान के सुल्तान कबूस ग्रैंड मस्जिद में हैं। अब से थोड़ी देर पहले पीएम मोदी ग्रैंड मस्जिद पहुंचे। मस्जिद से पहले पीएम मोदी ने ओमान की राजधानी मस्कट में मोतीश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की और जबरदस्त लोगों का उत्साह यहां पर देखने को मिला। पूजा अर्चना के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर आए तो मोदी मोदी के नारे यहां लग रहे थे। काफी बड़ी तादाद में भारतीय मौजूद थे और मोदी को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए लोग उत्सुक नजर आए। निशिता वीरेंद्र मेरे सहयोगी जुड़ गई हैं। निशिता, अभी मस्जिद में पहुंच गए प्रधानमंत्री? इनफैक्ट विद्यानाथ झा, वो मस्जिद का प्रोग्राम भी खत्म करके यहाँ से निकल गए हैं। जस्ट कुछ ही मिनट पहले यहाँ पर आए, कुछ करीबन 10 मिनट इन्होंने मस्जिद के अंदर बिताया और बाहर आते ही कई इंडियंस जो एक्साइटेड एंथुजियास्टिक इंडियंस जो है यहाँ पर वेट कर रहे थे, उनका फ्लैग्स पकड़ के, दोनों ओमानी और इंडियन फ्लैग्स पकड़ के, तो उन्होंने बिल्कुल क्लोज क्वार्टर्स में आके उनसे बात की, उनके साथ हैंडशेक्स दिया, बात किया, से गिफ्ट्स भी लिए हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर जिन जिन इंडियंस ने उनका वेट किया उनको बहुत खुश किया है। तो अभी उनका थ्री नेशन टूर ऑफिशियली ख़त्म हो गया है और वो डायरेक्ट एयरपोर्ट चले गए हैं, वहाँ से वो इंडिया के लिए रवाना हो जाएंगे। तो उनका टूर कंक्लूड हुआ है और उसका कंक्लूजन इससे ज़्यादा स्पेशल नहीं हो सकता था। निशिता, हमने देखा मंदिर के बाहर जब प्रधानमंत्री पूजा करके निकले तो वहां जबरदस्त उनके स्वागत के लिए लोग तो जमा ही थे, मोदी मोदी के नारे लगे। ऐसी तस्वीर वहां मस्जिद में जब वो पहुंचे और उसके बाद वहां से निकले तो उनका स्वागत करने के लिए लोग वहां पर उत्सुक थे, मौजूद थे। और यहां पर जो अखबार और मीडिया है वो भी बता रहा है कि इतना जुनून किसी राष्ट्र प्रमुख के आने का हमने इससे पहले कभी नहीं देखा। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर लोग जो यहाँ पर 10, 20 या 30 या इवन 40 साल से रह रहे हैं वो सभी यहाँ पर गैदर हो चुके थे। उन्होंने स्पेशल प्लकार्ड्स बनाए थे और यहाँ पर आके उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी का नाम चैंट करना शुरू किया, प्लकार्ड्स को दिखाया प्राइम मिनिस्टर को। एक लेडी ने गुजरात में कुछ बताया उन्हें वेलकम करने के लिए। तो इस उत्सुकता को देखकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी इनके पास आ गए और से बात की, पूरा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल सभी पीछा छोड़ के बिल्कुल पास आके इनसे 2-3 मिनट बात किया, हैंडशेक किया। तो यहाँ के लोगों को बहुत बहुत लकी बोल सकते हैं कि शायद इंडिया में भी इतना इंटरेक्शन नहीं होता, उतना इंटरेक्शन यहाँ पर एनआरआईज को मिलने को हुआ है प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ। तो जितना एक्साइटमेंट हमने शिव टेम्पल में देखा उतना ही एक्साइटमेंट यहाँ पर मॉस्क के बाहर भी था। और इंडियंस जिन्होंने कल का स्पीच मिस किया, वो स्टेडियम नहीं जा सके, तो यहां पर सभी गैदर होने लगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निशिता वीरेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। आपने सीधी रिपोर्ट, तस्वीरें वहां से लगातार भेजी और हमारे दर्शकों तक वो पहुंची।